हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीके कार्ड। आने वाले टाइम में आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी वो हम देखेंगे, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट पाइल हमारी पिंक पाइल है, सेकंड पाइल येलो पाइल है। अगर आप कलर के अकॉर्डिंग चुनना चाहते हैं तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। वैसे हमने डेट ऑफ बर्थ ली है यहाँ पर 1 to 15, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ये पाइल चुन सकती हैं, और जिनकी 16 to 31 तक जो है डेट ऑफ बर्थ आती है तो वो ये पाइल चुन सकती हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकती हैं कि आपकी कौन सी पाइल है, या कलर के अकॉर्डिंग भी आप पाइल चुन सकती हैं, ठीक है? तो चलिए गाइस, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है, और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है इसीलिए मैं बना रही हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है आपकी लाइफ में। हम इसमें आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है? पहले हम आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है वो देखेंगे। अवेकनिंग, देखिए वैसे आपके साइन जो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं या कैप्रिकॉन हो सकती हैं। यहाँ पर टोरस वर्ग कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये आपके साइन हो सकते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्योंकि पास्ट में आपके साथ में बहुत बुरा जो है हुआ है, और काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस आपने देखे अपनी लाइफ में, बुरे एक्सपीरियंस किए हैं, तो अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में चल रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ लाइफ में होता है उसके पीछे रीज़न होता है। यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि हर एक चीज़ के पीछे यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो भी आपको दुख मिले हैं उसमें भी आपके लिए कुछ भलाई छुपी थी, इसलिए आप उसको ज़्यादा सोच विचार ना करें कि मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ। आप कंपेयर भी कर रहे हैं लोगों के साथ में अपनी लाइफ को कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्यों होता है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट आते हैं उनको ध्यान से आप देखिए और कोशिश कीजिए कि उनको लेट गो करें, और ये भी देखने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यानी कि 2 कप यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप 2 हाथ देख सकती हैं और 2 कप हैं, अभी भी आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है अगर आप अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकाल देंगे तो। अभी भी अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आएंगी, अगर आप पास्ट को लेट गो कर देते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे, इससे पहले शायद नहीं दिख रहे थे, सॉरी कहना चाहती हूँ उसके लिए, ठीक है? तो चलिए गाइस अभी आगे और देखते हैं। देखिए एक तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं। आप जो है इस टाइम मेडिटेशन करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, आपके मन को सुकून मिलेगा। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, मैजिकल एस्ट्रो टैरो पर ही आपको मेडिटेशन की वीडियो मिलेगी, आप मेडिटेशन की वीडियो सुन सकते हैं, उसमें मैंने बीच में से सारे ऐड हटा दिए हैं। स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो मैं कह नहीं सकती हूँ, वैसे मैंने उसके बीच के सारे ऐड हटा दिए हैं, ठीक है? तो आप मेडिटेशन कर सकती हैं। यहाँ पर मेडिटेशन क्या है कि आपके माइंड को थोड़ा सा शांत रखेगा, जो आपके माइंड में शोर चला रहता है, सारे दिन नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जो शोर मचा हुआ है, जो आपके आसपास शोर है उसको शांत करेगा, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो अकेला रहता है ना इंसान, उसकी लाइफ बहुत ही बेटर होती है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आप कोई ऐसा काम करिए जिससे जो है दूसरों के लिए आप एग्जाम्पलरी बने, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजरिए, ऐसा करके दिखाइए लोगों को कि लोग आपसे कुछ सीखें, लोगों को ये लगे कि ये भी वाकई में ही एक इंसान है और हम भी इंसान हैं। वो आपसे अपनी लाइफ को कंपेयर करने की कोशिश करिए, आपसे मोटिवेट हो, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मोटिवेशन की बात है कि आप उनको मोटिवेट करिए, ठीक है? यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने अंदर झांकिए, ठीक है? आपके अंदर इतनी पावर है, यूनिवर्स ने इतनी पावर दे रखी है कि आप जो है जो चाहे वो अचीव कर सकती हैं, सिर्फ आपको अपने अंदर उन चीज़ों को खोजने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और वो मेडिटेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा आपका सोल का पर्पस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आप अभी शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी कि मुझे फ्यूचर के लिए क्या करना है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। शायद कुछ मेरे व्यूवर्स जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे जीवन में क्या करना है,
शायद आपका माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है और आप डिस्ट्रैक्ट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। एक दिन तो फोकस होते हैं उस काम पर और दूसरे ही दिन क्या होता है कि आप फिर से जो है लेजी हो जाते हैं, उस काम को ढीला छोड़ देते हैं। 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन तो आप कुछ करने की कोशिश करती हैं और तीसरे दिन फिर से जो है वही सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, ये टाइम एक्शन लेने का है। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना है, आपको रिवार्ड मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। आप जो भी हार्डवर्क करेंगे उसके लिए आपको रिवार्ड मिलेगा, तो आप शुरू कर दीजिए। कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप शुरू करिए। आप जो है बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में कई विचार आ रहे हैं कि मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे वो भी करना चाहिए, मुझे वो भी करना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप सभी चीजों को बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ में, आप सभी कुछ कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेगी, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप एक्शन तो लीजिए, आप एक्शन ही नहीं लेते हैं। आपको आप ये सोच रहे कि मुझे कल करना चाहिए, मुझे नेक्स्ट डे करना चाहिए, मुझे नेक्स्ट डे करना चाहिए, कल कभी आता नहीं है, इसलिए आप आज से ही शुरू कर दीजिए। ये यूनिवर्स कह रहा है कि आप कंफर्ट जोन को छोड़ करके कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे लाइफ में। अगर सक्सेस हासिल करनी है तो कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप जो है करना भी चाहते हैं और कभी कभी तो बहुत घंटों काम करते हैं आप। कुछ मेरे व्यूवर्स तो यहाँ पर 2 दिन में लेजी हो जाती हैं, लेकिन जब आप काम करती हैं तो बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा घंटे काम करती हैं। आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए कहा गया, यहाँ पर भी मैंने बताया आपको बैलेंस बना करके चली लाइफ में, ठीक है। आप किसी की हेल्प भी ले सकती हैं, आपके आसपास कोई जो है पर्सन ऐसा हो, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकती हैं ताकि आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर जो है अदर हेल्थ इश्यू ना घेरे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस के कारण आपको हेल्थ इश्यू हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें, आप बहुत काम साथ लेकर चलना चाहते हैं, फिर 2 दिन काम पर फोकस्ड रहते हैं, तीसरे दिन आप फिर सो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, अवेकनिंग चल रही है आपकी अभी, आपको बहुत सारे विजन्स दिखते होंगे, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो भी विजन आपको दिखते हैं ना उसको देखने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए प्रेजेंट रहते हैं हर टाइम। एंजल्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ड्यूटी क्या है, हम आपको गाइड करें, और आप जब गाइड करते हैं तो आप देखते ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चैरिटी करिए, आप जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा चैरिटी करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ में और ज्यादा फाइनेंशियली गेन हो आपको। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी के उधार ले रखे हैं तो पहले आप उस कर्जे को चुकाइए, और आप अगर किसी को देना चाहते थोड़ी मात्रा में दीजिए, पर देना शुरू करिए, ठीक है। जैसे किसी को कोई आता है, भिखारी वगैरह आते हैं, या कोई आप जो है किसी भी आश्रम वगैरह में चले जाइए, किसी नीडी की जो अगर आप हेल्प करेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी मंदिर में जाइए, किसी आश्रम में जाइए, कुछ दान करिए, ठीक है। किसी के लिए कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड करवाइए, हॉस्पिटल में अगर आप जा सकते हैं तो वहां पर जाइए, मतलब कुछ हेल्प करिए लोगों की, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। और ये काम कल से ही शुरू कर दीजिए, आप वेट क्यों करते हैं। तो फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में फ्लो बना रहेगा, मनी का अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छे कार्ड मिले हैं कि आपको जो काम कल पर छोड़ना है उसको कल पर ना छोड़ें, आज ही से शुरू कर दीजिए, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिए और आगे बढ़िए, तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कल आप शुरू कर सकते हैं जो भी काम करना चाहते हैं, या फिर बैलेंस बना करके चलने की जरूरत है। जो काम आप शुरू कर चुके हैं और उसमें आप कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन किसी की हेल्प लेकर के करना है। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखिए अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आप अपने जीएफ का देख रहे हैं, बीएफ का देख रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है, हस्बैंड का देख रहे हैं, वाइफ का देख रहे हैं, जिसका भी देख रहे हैं देख लीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, फर्स्ट फाइल जिन्होंने भी चुनी है उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है।
देखिए, आपके पर्सन जो हैं थोड़े से इगोइस्टिक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपसे काफी जो है उम्र में बड़े हो सकती हैं, 2-4 साल बड़े हो सकती हैं, ठीक है, या आपकी एज के भी हो सकती हैं, एज गैप भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये काफी स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इसके पास में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी मेच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो काफी मेच्योर है, अभी फिलहाल जो है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी मौजूद है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपके पर्सन का माइंड भी थोड़ा सा जो है स्निकी है, स्निकी बिहेव करती हैं, दूसरे पर्सन के साथ में वो इन्वॉल्व हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कोई भी हो सकता है अदर पर्सन, ठीक है, कोई उनकी फैमिली हो सकती है, जॉब करियर हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे आया है। थोड़ा बहुत तो फ्लर्ट करते हैं आपके पर्सन, अभी फिलहाल अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं, अट्रैक्शन अटैचमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पर्सन काफी इगोइस्टिक है। काफी टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकती हैं, ऐसा सोच रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी अभी सिंगल हैं, आप भी अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहती हैं, ग्रोथ देखना चाहती हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले बंदे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कोई वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या कोई फिर जॉब करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप फिलहाल जो है स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई गिफ्ट भी आपको दे सकती हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, ऐसी कोई गिफ्ट भी आपके लिए आ सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अभी फिलहाल जो है थर्ड पार्टी मौजूद है, ठीक है। आपके पर्सन अभी फिलहाल जो है अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब करियर में ध्यान दे रहे हैं, ये कोई बड़ी पोस्ट पर भी हो सकती हैं आपके पर्सन, ठीक है, अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आप भी हो सकती हैं अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड पर्सन है और बहुत ज्यादा नॉलेजबल पर्सन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आपके पर्सन जो है वो जगल कर रहे हैं और दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैंने बताया थर्ड पार्टी हो सकती है या जॉब करियर भी हो सकता है। यहाँ पर अभी धीरे धीरे उनको क्लियरिटी मिलने लगी है, पहले तो शायद उनको क्लियरिटी नहीं थी। ये पर्सन जो है पहले जानबूझ करके भी अनजान बना हुआ था, इसको क्लियरिटी तो थी लेकिन अभी इसको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है, इसीलिए ये आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यही पर्सन आपसे जो है अपना रिलेशनशिप देखता है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है हमारा, पास्ट लाइफ से हम लोग साथ चले आ रहे हैं, एक अच्छे कंफर्टेबल पार्टनर हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में दूरियां आई हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में मौजूद है, ये इनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जगल तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे क्लियरिटी मिलने लगी है। ये जैसा जो है आपके बारे में सोचता रहता था आपका पर्सन, आपका पार्टनर, वो अभी उससे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अभी उसके सोचने समझने की क्षमता जो है वो पहले से बेटर हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले तो ये दूसरे लोगों की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी मिलने लगी है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको आपकी सच्चाई दिखा रहा है, जो इनको जो है वो जानबूझकर भी अनजान बने हुए थे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, जो है ये बातचीत कर सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका कॉल आपकी तरफ आ सकता है। अभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ से कुछ मैसेज, फिर देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए या इसमें कुछ चेंज चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। देखिए, आपके हाथ को पकड़ने से उनको बहुत खुशी मिलती है, ऐसा कह रहे हैं। पूरे जहां पे उनको आपकी स्माइल अच्छी लगती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, दूसरी बार वो आपसे दूर हुए हैं। वो ऐसा कह रहे कि आप ही कैसे पर्सन जिनको मैं बता सकता हूं कि क्या चीज सही है क्या गलत है, आपको वो अदर हाफ देखती हैं। वो ऐसा कह रही कि आप हर सुबह मेरे चेहरे पर एक स्माइल लेकर आती हैं, आप मेरे साथ सिली हरकतें करती हैं तो आप बिल्कुल भी डरती नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए, मून एनर्जी का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के जो है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत रोना शुरू कर देते होंगे, ठीक है। और
पास्ट की बातें आपके माइंड में चलती रहती है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के आप काफी इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको हील करने की जरूरत है, इन चीजों को हील करने की जरूरत है, पास्ट की जो भी जो ट्रॉमाज हैं उनको हील करने की जरूरत है। आपको दूसरों को भी हील करने के लिए एनर्जी सेंड करना चाहिए और खुद को भी हील करना चाहिए। वैसे तो हर एक इंसान के अंदर हीलिंग पावर होती है, वो अपने आप को हील कर सकता है, नेचुरल एबिलिटी होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप एंजल्स से हेल्प ले सकती हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप एंजल्स को पुकार सकती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मैंने बताया था कि आप जो है उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, 2 दिन आप कंटिन्यू काम करते, तीसरे दिन आप फिर लेजी हो जाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं कि बस मेरे बस की बात नहीं है, जो मेरे जैसी एनर्जी में है, ठीक है। जैसे मैं 2-3 दिन कंटिन्यू काम करती हूँ, फिर धीमा पड़ जाता है काम, इसी तरह से अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप एंजल से हेल्प ले सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हेल्प लीजिए एंजल से, ठीक है, तो वो आपको जरूर हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिकल ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको यूनिवर्स जो है ब्लेसिंग सेंड कर रहा है, उनको आप रिसीव करिए, और रिसीव तभी करेंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं उनको तभी आप जो है रिसीव कर पाएंगे जब आप उस वे में आएंगे, रिसीविंग मोड पर जब आप आएंगे, ठीक है। आप रिसीविंग मोड पर नहीं आएंगे तो आपकी तरफ कितनी ही ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही हो, वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग, आई होप गाइस ये फर्स्ट फाइल आपको रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, डेट ऑफ बर्थ जिसकी 16 to 31 तक आती है, वो ये पाइल चुन सकते हैं और उनके लिए ये पाइल है। अब हम देखेंगे आने वाला टाइम आपका कैसा रहेगा। पहले हम आपके बारे में देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज देखेंगे, और उसके बाद में यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए देखने वाली है। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए या उसमें कुछ चेंजमेंट चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री, विक्ट्री एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, विक्ट्री को दिखाता है। आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपको प्रमोशन होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई अवार्ड मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। जिस भी टाइप की एनर्जी में आप हैं वहां पर आप रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपके बॉस आपको प्रमोट कर दें, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई सक्सेस मिल सकती है, चाहे वो छोटी ही सही लेकिन सक्सेस आपको मिल सकती है। पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई आप ऐसा काम कर दे जिससे लोग आपको जो है वाहवाही दे, ठीक है, लोग आपको जाने लगे, ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड पाइल जिन्होंने चुनी है उनके साइन में बताना चाहूं तो यहाँ पर टोरस वो कैप्रिकॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहे हैं, दूसरा मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आपके साइन कोई भी हो सकती है मेरे व्यूवर्स के, तो उसके बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए अगर मैं फास्ट बोलती हूँ तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, थोड़ा सा स्लो कर दूंगी मैं, ठीक है। चलिए देखिए मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके लिए गुड न्यूज तो आ रही है, सक्सेस तो आपकी लाइफ में आएगी, आपको मिलेगी सक्सेस, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है। मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन प्लानिंग के साथ आप चलेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे, परफेक्ट तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको नियर फ्यूचर आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। तो उस काम में आप आज ही से जुट जाइए, एक नई स्टार्ट आप करना चाहते हैं लेकिन आप डर रहे हैं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे गाइस कि आप जो भी
कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम हो रही है उसमें आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी इनकम बहुत कम है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो इतना इतना कमाते हैं, इतने ज़्यादा उनकी इनकम हो रही है, उनके पास में जो है रिसोर्सेज भी मेरे से कम है, लेकिन फिर भी उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप ऐसा कंपेयर भी करके चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि थोड़ा सा आप अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करिए, आप कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं, खर्चे पर कंट्रोल करिए, आपको ये कहा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट बिजनेस करने की डिसीजन आपको लेना चाहिए, स्मार्ट बिजनेस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो भी मन में आए वही आपने काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको उसमें प्रोग्रेस बहुत ही स्लो देखने को मिलेगी, इसलिए स्मार्ट बिजनेस करना सीखिए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी को अपना टाइम देते हैं, आप अपना टाइम किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने इमोशंस किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा आपको रिटर्न में कुछ देता नहीं है, आप खाली उसके पीछे लगे रहते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं, इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, आपका टाइम खराब होता है, आपका जो टाइम टेबल है वो जो है सही तरीके से आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इससे आपको बहुत लॉस होता है, आपके काम में भी बाधाएं आती हैं, और इस पर्सन को जब आपसे काम होता है तभी ही आपके पास आता है, वरना आपके पास आता नहीं है। इसीलिए आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए जो आपको सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, जो सिर्फ आपका टाइम खराब करने के लिए आपको इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, अपने टाइम टेबल को बनाइए और ठीक से उसको मैनेज करके तब चलिए। आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, अपने रिसोर्सेज पर ध्यान दीजिए, और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको समझना चाहिए कि कौन आपके लिए जो है सही है और कौन आपके लिए गलत है। इस चीज़ को आप अगर आप समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस उनके लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वो सामने वाला बंदा आपके लिए कोई भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाता है, उसको आपके इमोशंस से आपके टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम निकालता है और चल देता है, जब उसको ज़रूरत होती है तभी वो आपके पास आता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलीज करने की जरूरत है, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है तो आप उनको रिलीज कर दीजिए, एंडिंग करिए, तभी एक न्यू बिगनिंग होगी। आप खुद कोई परेशान कर रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, गलत फायदा उठा रहा है, चाहे वो फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, चाहे फिर वो कोई लोग हो सकते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अगर वो आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए और आप अपनी एक नई शुरुआत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, उन लोगों को और उस सिचुएशन को आप अपनी लाइफ से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पीछे खींच रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको अपनी बातों में उलझा करके आपका टाइम जो है वो खराब करते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखिए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई विजन भी दिखते होंगे, कोई आपको सिंक्रोनिसिटी होती होगी, कोई आपको स्वप्न के माध्यम से एंजल्स कुछ बताना चाहते होंगे, आप उस पर प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि एंजल्स की भी ड्यूटी होती है कि आपको वो रास्ता दिखाएं। अगर आप उसको देखना नहीं चाहते हैं तो इसमें एंजल्स की कोई गलती नहीं है, यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, फिर आप अपने आप को कोसते रह जाएंगे कि भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है, आपकी गलती रहेगी। ठीक है, अगर आप उन साइंस को नहीं देखेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे और आप जो है जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, जो सक्सेस आपके लिए बनी है वो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, इसलिए रिसीविंग मोड पर रहिए, थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करिए, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरिए, अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कीजिए, जिस झर्रे पर, जिस पहनावे में, जिस वे में आप जिंदगी जी रहे हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, आप डरिए मत, फियर्स को फेस करना सीखिए, यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ में है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो भी काम कल करने की सोच रहे हैं उसको आज ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए सक्सेस जो है वो बाहें फैलाई खड़ी है, आपको यूनिवर्स जो है ये पावर दे रहा है इन्फिनिटी की, आपके अंदर जो है बहुत पावर है, यूनिवर्स की पावर है, आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है कि आप जो चाहे वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं, जो भी चाहें आप वही आप जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अपने ऊपर गर्व करिए, लेकिन थोड़ा सा ईगो से बचिए, आपको ईगो नहीं लेकर आनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, ईगो से थोड़ा सा बचिए और आप आगे बढ़िए, स्टेप आगे लीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर कोई आपकी तरफ आ रहा है, वो बहुत जल्दी में है, बहुत फास्ट आपकी तरफ आ सकते हैं, इमिडिएट एक्शन लेने वाला पर्सन है ये, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसकी बात सुनिए, अगर आपकी इंट्यूशन उसको यस बोलने के लिए बोलती है तो आप उसको यस बोलिए। ठीक है, वो काफ़ी आपको लेकर के सेंसिटिव हो रहा है ये बंदा, ठीक है, पैशनेट फील करता है, पूरा कॉन्फिडेंट है और
ये कि आपके साथ में एक रिलेशनशिप की नई शुरुआत करने की सोच रहा है, ठीक है। ये बंदा आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए नया बंदा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपको अप्रोच कर सकता है, बहुत जल्दबाजी में वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी लंबे टाइम से आप बहुत ज्यादा तकलीफों से सफर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ना तो आपके जॉब करियर में इतनी तरक्की मिल रही है आपको, ना ही आपको अपने रिलेशनशिप में इतनी तरक्की मिल रही है। आपको हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि अभी वो टाइम है कि अब आपके लिए नए दरवाजे ओपन होंगे। 10 नंबर का कार्ड है, 10 के बाद में देखिए ऊपर भी रिलीज है, एंडिंग्स को दिखा रहा है, यहाँ पर बिगनिंग को दिखा रहा है, यहाँ पर भी 10 नंबर का कार्ड है। तो आपके लिए एक नई शुरुआत होगी क्योंकि सन का कार्ड है, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आप अगर उसको रिसीव करने के मोड में होंगे तभी आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अगर आप उसी सिचुएशन में स्टक रहे, अगर आप उसी सिचुएशन में स्टक रहे तो ये सारी खुशियां जो आपके लिए आ रही हैं, यूनिवर्स जो आपके लिए भेज रहा है, वो आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, खुशी से उसको जो है एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। अपने कंधों पर से कोई भार है तो उसको उतार दीजिए। अगर आप किसी के प्रति गर्ज रखते हैं तो उसको बोल दीजिए कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है, तुम मुझे अगर ठीक से मेरे साथ में रहना चाहते हो, मेरे साथ ठीक से बिहेव करना चाहते हो तो ही मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया कोई पर्सन आ रहा है, ये नया पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर भी हो सकता है। तो अगर आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, काफी एडिक्टेड है आपसे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी जो है पैशनेट फील करता है, लेकिन आप इस बंदे के साथ आना चाहते तो आपने कुछ बातें इससे करना चाहते तो आप खुलकर करिए, अपने जो दिल पर से भार उतार दीजिए कि भाई मैं आपके साथ में तभी आ सकता हूँ, मुझे ये चाहिए, ठीक है, कमिटमेंट चाहिए और मुझे जो है आप ठीक से मेरे साथ में बिहेव कर सकें, मेरे साथ में फ्यूचर अच्छे से आप देखते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अगर ठीक से मेरे साथ में रहेंगे तब, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सोच समझ करके कोई डिसीजन लेना चाहिए और खुल करके बात करनी चाहिए, अपने दिल पर से वो बोझ उतार देना चाहिए जिसको लेकर के आप इतने सालों से घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं आपकी एक नई स्टार्ट होगी, लेकिन वो स्टार्ट तभी होगी जब आप पास्ट को लेट गो करेंगे, ऐसी सिचुएशन ऐसे लोगों से आप जो है दूर रहेंगे, कट ऑफ कर देंगे उनको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकेंगे। क्योंकि पास्ट को पकड़ करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, पास्ट को लेकर के आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता इंसान, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के। थोड़ा सा आपको चैरिटी भी करनी चाहिए और अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलना चाहिए, वरना एक टाइम आएगा फिर आपको पछतावा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 तक है उनके लिए ये मैसेज थे, और अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या एक्शन लेंगे, क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ देखेंगे। वाओ, पेस की एनर्जी में है आपके पर्सन, काफी मेच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की कर्मा मिल रहा है, जजमेंट हो रहा है यहां पर, ठीक है। लेकिन आप टेंशन ना ले, समय जरूर बदलेगा। ये पर्सन काफी जो है हैंगमैन की पोजीशन में है, काफी सोच विचार कर रहा है ये सब क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफी मेच्योर बिहेव करता है, ये आपसे छोटा भी हो सकता है उम्र में, और आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहे काफी मेच्योर पर्सन है, और आपके पार्टनर जो है वो काफी मेच्योर पर्सन है, इमेच्योर बिहेव करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाला बंदा है, सोशल मीडिया पर चैटिंग वगैरह करना, इंस्टा फेसबुक को फॉलो करना, किसी दूसरे की फोटो वगैरह देखना, स्टेटस देखना, इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ की भी कमी है, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए काफी पैशनेट फील करता है, आपको एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर समझता है, अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जेमिनी भी हो सकता है ये पर्सन जो है लियो भी हो सकता है, ये पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है, बहुत स्ट्रांग साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन जो है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, यहाँ पर सारे ही साइन मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे लियो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है ये अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अभी इस पर्सन का हर्ट आपके लिए ओपन अप हो रहा है,
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको इसके कर्मा तो भुगतने पड़ रहे हैं, जो इसने आपके साथ में बुरा किया था आज इसको वो सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको कहीं ना कहीं रियलाइज तो हो गया है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ये एक नई शुरुआत तो करने की सोच रहा है, लेकिन इसके माइंड में आपको लेकर के कुछ थॉट चल रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों का डाइवोर्स तक केस पहुंच गया हो, ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को कर्मा तो मिल रहा है। हो सकता है कि आप लोग जो है डाइवोर्स मांग रहे हो, एक दूसरे से कह रहे हो कि मुझे डाइवोर्स चाहिए बस, और नहीं झेलना चाहता या झेलना चाहती, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि द व्हील का कार्ड है, समय बदल रहा है। आप अगर थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके प्रति काफी डेडिकेटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अभी ये यूनिवर्स से कनेक्ट होने की भी सोच रहे हैं और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना भी चाहता है। लेकिन 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 मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप यू नो सोर्स की एनर्जी में आ रही हैं, बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में, क्योंकि आपको बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने, इसीलिए इसको कर्मा मिल रहा है। और आप ये सोच रहे हैं कि इसको कोई कर्मा नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा जो है शांत हो जाइए और आप जो चाहते थे वो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी फिलहाल इस पर्सन से डील करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते क्योंकि रिवर्स में आए हैं, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। काफी आपने इस पर्सन को मौके दे दिए, लेकिन अभी आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। अगर आपको यूनिवर्स भी आकर कहे तो इस टाइम आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप इस पर्सन के को लेकर के कोई आप बातचीत करना पसंद नहीं करती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसी वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि उनको समझ में तो आ गया है कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और ये मेरे कर्मा ही है जो मुझे मिल रहे हैं, तो शायद मेरी लाइफ आगे बेटर हो जाए, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन कोई भी पर्सन जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना तो आप एक्शन लेना चाहते हैं ना आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, दोनों ही ईगो में आ रहे हैं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ना एक पर्सन मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप चाहते तो हैं, आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड है आप लोगों का कि आप चाहकर भी दूर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डाइवोर्स तक सिचुएशन न पहुंच गई है, ऐसी नौबत आ गई है और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा इसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। ये पर्सन अभी फिलहाल इमेच्योर है, इसलिए ऐसे जो है हरकतें करता है, ऐसा बिहेव करता है आपके साथ में। धीरे धीरे इसके अंदर भी मेच्योरिटी आएगी, क्योंकि आप काफी मेच्योर पर्सन है, एज गैप भी हो सकता है आप लोगों में, ये पर्सन आपसे छोटा हो सकता है ऐसा भी, या आपकी सोल थोड़ी जो है वो ओल्ड हो सकती है, ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है इस पर्सन का भी और आपकी तरफ से भी, ठीक है। देखिए देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा कह रहे कि आप मुझे इतना टाइट पकड़ते हैं कि मुझे कहीं जाने नहीं देते। आप उनको कोई क्यूट नेम से बुलाते होंगे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, लास्ट पड़ाव तक भी हम साथ रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। ऐसा कह रहे कि आप मेरे अंदर के थॉट्स को भी रीड कर लेते हैं, जो मैं बोलना चाहता हूं आप पहले ही बता देते हैं। ऐसा भी कह रहे हैं कि जब मेरा मूड खराब होता है तो आप मुझे बहुत ही कंफर्ट फील कराते हैं, ठीक है। आप जो है उनको सुनते भी हैं और मेरे साथ बात भी करते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के मैसेज हैं और अभी हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए
देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से कोई आपको हेल्प मिल सकती है या आप उनसे हेल्प ले सकती हैं। ठीक है, आपको एनकरेज कर सकती हैं, वो आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, आपके सपने हैं उनको पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। कोई जॉब में आपको कोई बता सकते हैं कि भाई वहाँ पर वैकेंट पोस्ट है, आप वहाँ पर जाइए, अप्लाई करिए, इंटरव्यू देकर आइए। तो आपके फ्रेंड्स से भी आप हेल्प ले सकती हैं अगर आप कोई जॉब करियर में बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कतें आ रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे कैसे जो है आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स आपके लिए रेडी हैं, तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ आएंगी, हर तरफ से खुशियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको आपको दूर करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखने की जरूरत है, आपकी शैडो साइड है उसको बाहर निकालिए, आपके लाइफ में जो भी पास्ट में इशू रहे हैं उनको आप दूर करिए, उनको आप लेट गो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप खुश रहेंगे तो दूसरे के ऊपर भी आपकी लाइफ का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आपको मदद चाहिए तो आप यूनिवर्स को पुकारिए, आप एंजल से कनेक्ट होइए। एंजल से आपको कैसे कनेक्ट होना है, तो आप मेडिटेशन कर सकती हैं, प्योर इंटेंशन के साथ में आप एंजल से कनेक्ट हो सकती हैं। जिस भी चीज़ के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप उनकी तरफ कोई डिसीजन लेना चाहती हैं, आप उनको कोई मैसेज सेंड करना चाहती हैं, तो आप एंजल से कनेक्ट होइए। ठीक है, आप थर्ड आई में ध्यान लगाइए और उसके बाद में आप एंजल से कनेक्ट होइए, और आप जिस भी फील्ड में आप उनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपकी वो हेल्प करें। आपके आसपास साफ सफाई रखिए, नहा धो करके आपको जो है कोई जो है कपड़ा वगैरह बिछा लेना है, उसके ऊपर बैठना है, आपको जमीन पर नहीं बैठना है, सीधा कुछ बिछा लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए और मेडिटेशन करिए, एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो भी आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी मैसेज को जरूर सुनेंगे, आपकी हेल्प के लिए वो जरूर आएंगे। ठीक है, आपको कोई विजन दिख सकता है, आपको कोई सिंक्रोसिटी हो सकती है, आपको कोई फैदर दिख सकता है, आपको जो है बटरफ्लाई दिख सकती है, आपको मधुमक्खियाँ दिख सकती हैं, तो आपको कोई ना कोई विजन आपको या कोई ना कोई ऐसा साइन वो एंजल्स देंगे या कुछ आपको विजन में बता देंगे कि आपको ये करना चाहिए, इसे ऐसे बाहर निकलना है, आपको ये स्टेप लेना है। ठीक है, आपको कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।